मोर्चा का आंदोलन, मराठा आरक्षण को लेकर फिर गरमाई आवाज। जय भवानी, जय शिवराय, जय मराठा, आरक्षण आमचे हक्क आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण को नामंजूर करने के फैसले के बाद महाराष्ट्र में मराठा समाज का आंदोलन फिर तेज हो गया है। बुधवार को वाशी के शिवाजी चौक पर मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला और जय शिवाजी, जय भवानी तथा आरक्षण हमारा अधिकार की आवाज बुलंद करते हुए जमकर नारेबाजी की। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे मथाड़ी नेता अन्ना साहब पाटिल, मागास वर्गीय विकास महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल ने कहा कि मराठा समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है, लेकिन उसके साथ हर बार विश्वासघात हो रहा है। पिछली सरकार में उच्च न्यायालय ने भी इसे माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया है। इससे मराठा समाज आहत हुआ है। नरेंद्र पाटिल ने कहा कि हम मांग कर रहे हैं कि सरकार इसका रास्ता जल्द से जल्द निकाले। महाराष्ट्र राज्य में 1980 से मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए काफ़ी लोग लड़ रहे थे। जब राज्य में भारतीय जनता पक्ष और शिवसेना की सरकार थी, तब मराठों 42 मराठा तरुण इन्होंने अपने जान की आहुति दी थी। बहुत बड़ा मराठा क्रांति मोर्चा ही निकला था और इसीलिए उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने और शिवसेना के नेते उद्धवजी ठाकरे साहब दोनों ने मिलकर मराठा समाज को आरक्षण दिया। वो आरक्षण हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ। हाईकोर्ट में चैलेंज होने के बाद उसको कन्फर्मेशन हुआ 13% और 14% नौकरी में आरक्षण और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आरक्षण। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, पर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद राज्य में जो नई सरकार आई, उस सरकार की जवाबदारी थी कि सही वकील वहाँ पे देने चाहिए, वो उन्होंने नहीं दिए। वो नहीं देने वजह से महाराष्ट्र का मराठा समाज इस आरक्षण के वजह से वंचित रहने वाला है। और इसीलिए इस समिति के जो अध्यक्ष थे अशोकराव चव्हाण, जानबूझ के कांग्रेस पक्ष मराठा समाज को यहाँ पे आरक्षण नहीं देने की भूमिका गए 20 साल से कर रही थी, और आज सत्ता में आने के बाद भी जानबूझ के उन्होंने वो किया है। इसीलिए हम अशोकराव चव्हाण का यहाँ पे निषेध करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की जवाबदारी है कि महाराष्ट्र में जिन आरक्षण के वजह से एजुकेशन में और जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में जो फ़ायदा होने वाला था, वो फ़ायदा अभी भी आप कंटिन्यू कीजिए, बस ये हमारी मांग है। आज महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चे के हर एक जिले में आंदोलन चालू है। कल पुणे में कार्यकर्ताओं को पुलिस डिपार्टमेंट से नोटिस दिया जाता है। आज भी हमें इधर बैठने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का रिस्ट्रिक्शन था, पर हम लोग भी ये जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आंदोलन लिया है। सरकार मराठा समाज के आंदोलन तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर हम टूटेंगे नहीं, बल्कि हम जोड़ेंगे और फिर एक बार मराठा समाज के तरुणों को एजुकेशन और जॉब के रिजर्वेशन को हम मिलके लड़ेंगे। सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर करना चाहिए वो हुआ नहीं है। जब सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में डेट लेती है कि भाई हमको और एक डेट दीजिए, हमारे को और भी कुछ मांग वहाँ पे माननी है, मुद्दे मानने, इसके लिए मतलब सरकारी वकील वहाँ पे रेडी नहीं थे, तैयारी नहीं की गई थी, और इसका बहुत बड़ा नुकसान मराठा समाज का हुआ है। और ये सरकार की जवाबदारी थी। मराठा क्रांति मोर्चे के जो इश्यूज़ है उसके ऊपर जो मंत्रिमंडल की समिति है अशोकराव चव्हाण, ये उनकी जवाबदारी थी, ना ही ये मुख्यमंत्री की जवाबदारी थी। इसलिए अशोकराव चव्हाण के वजह से हमारा मराठा समाज का आरक्षण गया है। इसीलिए उद्धवजी ठाकरे साहब ने ध्यान दे के उस रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने के लिए ताबड़तोब यहाँ पे कार्रवाई करनी जरूरी है।
बता दें कि आरक्षण के लिए प्रदर्शन से पहले मराठा क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वरूप प्रतिमा पर हार पहनाकर मोर्चे का आगाज किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया था। क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपते हुए सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।